रेड नाइन की टीम आज अयोध्या में श्री राम लला के प्रमुख टेलर के पास पहुंची और जाना कि उनके द्वारा राम लला के लिए पोशाकें सिलने की परंपरा कितने साल पुरानी है। बताया जा रहा है कि अभी वर्तमान में जो टेलर है उनके पिता के समय से राम लला के वस्त्र सिलने की परंपरा अनवरत जारी है। आज बाबूलाल टेलर के पुत्र शंकर लाल इस परंपरा का आगे निर्वहन कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे सालों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी उन्होंने कैसे जीवंत किया हुआ है। नमस्कार, इस समय अयोध्या में है और अयोध्या में इस समय आप जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी को होने वाली है और इसको लेकर पूरे अयोध्या में ही नहीं पूरी दुनिया में उत्सव का माहौल है। और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर और अभी तक जो रामलला हमारे विराजमान होते थे और उनकी जो पोशाक बनाई जाती थी, पोशाक कौन बनाता था, कहाँ बनती थी, कैसे क्या है, आपको हम उस दुकानदार उस टेलर के वजह से मुलाकात करवाएंगे। जैसा कि आप हमारे कैमरे से ऊपर देख सकते हैं कि ये दुकान का नाम है बाबूलाल टेलर और यहाँ पे दुकान के अंदर उनके बाबूलाल टेलर जो कि काफ़ी समय पहले उनका स्वर्गवास हो चुका है और अब इस समय उनके पुत्र शंकर लाल जी उनका रामलला का वस्त्र तैयार करते हैं। तो आइए मिलते हैं और उनसे जानते हैं कैसे क्या वो तैयार करते हैं और कब से तैयार कर रहे हैं, कब से ये प्रक्रिया उनकी चल रही है। तो आइए हम चलते हैं, शंकर लाल जी से मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनसे कि कब से ये कैसे क्या हो रहे हैं। शंकर लाल जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कब से आप सिल रहे हैं और क्या है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार। इसे 1985 में राम जन्मभूमि के पुजारी श्री तत्काल में लाल दास जी महाराज जी थे, उनके माध्यम से श्री पिताजी हमारे श्री बाबूलाल और मेरे बड़े भाई साहब भगवत साहब पहाड़ी, मैं शंकर लाल, वहाँ एक बड़ी मशीन और एक छोटी मशीन गुम्बद, उसमें गुम्बद था, गुम्बद के नीचे हम दो तीनों आदमी जाते थे और दोनों मशीन रखी जाती थी। पिताजी हमारे मैया करते थे और हम दोनों भाई बैठ करके वहाँ प्रसाद रामलला का सिद्ध थे। ये कर्म सन 92 तक चला। ढांचा गिरा, ढांचा गिरने के बाद प्रभु हमारे टाट में आ गए तो हमारे पुजारी जी के माध्यम से कपड़ा यहाँ आता रहा और हम पूरे परिवार में करके यहाँ पोशाक बना करके और रामलला को, पुजारी जी को रामलला का प्रसाद देते थे और ठाकुर जी हमारे देते थे। ये कर्म चलता ही रहा और फिर श्री महाराज जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उनके द्वारा वैकल्पिक मंदिर तैयार किया गया, यही प्रभु हमारे टाट से ठाट में आ गए। काफी दिनों के बाद हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री जी आए और भूमि पूजन किए, भव्य मंदिर निर्माण के लिए निर्माण का उन्होंने भूमि पूजन किया और अब मंदिर बन करके भव्य मंदिर तैयार है। उस समय जिस समय उन्होंने भूमि पूजन किया था उस समय दो पोशाक तैयार हुए थे, एक हरा एक भगवा रंग का, हरे में नौ रतन जला गया था और ठाकुर जी हमारे जब पहले और ठाकुर जी का जब दर्शन किए हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री जी तो वही ठाकुर जी नौ रतन जला हुआ प्रसाद धारण किए थे और उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद तो भव्य मंदिर तैयार है। 22 तारीख को आने वाली 22 जनवरी को हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके कर कमलों द्वारा हमारे रामलला का स्थापना होगा। 500 वर्षों के बाद ये भगवान श्री ठाकुर जी हमारे श्री रामलला जी घर में विराजेंगे और अयोध्या वासियों को तो खुशियों का ठिकाना नहीं। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे रामलला हमारे अलग अलग रंगों का अलग अलग जो पोशाक पहनते हैं, तो ये क्या इसके लिए कोई दिन निर्धारित है या कैसे क्या है इसके बारे में? दिन निर्धारित है, जैसे सोमवार को हमारे रामलला जी सफेद वस्त्र धारण करते हैं, मंगलवार को लाल कपड़ा धारण करते हैं, बुधवार को हरा कपड़ा धारण करते हैं, गुरुवार को नीला कपड़ा धारण करते हैं, शुक्रवार को क्रीम अथवा सफेद धारण करते हैं, शनिवार को नीला धारण करते हैं, रविवार को गुलाबी, यानी 7 दिन का 7 कलर का पोशाक ठाकुर जी का होता है और कमसा ही चलता है। और इसके अलावा जो है वो तो आइए शंकर लाल जी से तो बात हो गई लेकिन हम आपको मिलवाते हैं, मिलवाएंगे नहीं, उनके दर्शन करवाएंगे जो यहाँ के बाबूलाल जी जो इनके पिताजी थे और यहाँ पे जो जिन्होंने इसकी जो शुरुआत की थी वहाँ के रामलला के वस्त्र सिलने की। तो हम कैमरे के माध्यम से चाहेंगे कि उनकी तस्वीर को जो वो कैमरे पर दिखाया जाए। ये हमारे बाबूलाल जी हैं जिन्होंने इस कार्य की शुरुआत की थी और आज उनके सुपुत्र जो हैं
शंकरलाल जी इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा ये वो मशीन है जिसपे गुंबद के नीचे बैठ के बाबूलाल जी वस्त्रों को सिला करते थे, रामलला के वस्त्रों को, पोशाक को तैयार करते थे। और आज उनके पुत्र आज भी उस अमानत को संभाल के, उनकी याद को संभाल के रखे हुए हैं, सजो कर रखे हुए हैं और अपने दुकान में इसको भी रखे हुए हैं। और ये काम आज भी चल रहा है उनका।